अस्सलाम वालेकुम, एमए फाउंडेशन स्कूल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यह है आपकी इस्लामियात की किताब, इस्लामियात हमारी सबसे प्यारी। फरिश्ते, प्यारे बच्चों, फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं और ये नूर से पैदा हुए हैं और हमारी नज़रों से गायब हैं। फरिश्ते ना मर्द हैं और ना औरत। ये अल्लाह ताला की नाफरमानी भी नहीं करते और गुनाह भी नहीं करते। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़िम्मे कुछ काम मुकर्रर फरमा दिए हैं और ये अपने कामों में लगे रहते हैं। फरिश्ते बेशुमार हैं लेकिन इनकी तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही को है। प्यारे बच्चों, फरिश्ते ना सोते हैं और ना ही थकते हैं। चार मशहूर फरिश्तों के नाम हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। और तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इन चार मशहूर फरिश्तों को जो काम सौंप रखे हैं वो कौन से हैं, आए मैं आपको बताती हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम पैगंबरों तक पहुँचाते थे। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन शोर फूंकेंगे। हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम हर जानदार को रिस्क पहुंचाते हैं और बारिश बरसाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि बारिशें हो रही हैं। अल्लाह ताला ने ये काम हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मा लगाया है कि वो आसमान से बारिश बरसाएं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, फरिश्ते ना सोते हैं, ना थकते हैं और ना ही खाते पीते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका हफ्तावार असाइनमेंट है जिसमें पहला टास्क है आपका सबक फरिश्ते सफ़ा नंबर 21 से दो लाइनें पढ़ें। मैं आपको समझा चुकी हूँ, घर में आपने पढ़ना है। टास्क नंबर 2 है आपका सबक फरिश्ते सफ़ा नंबर 21 से दो लाइनें पढ़ें और नए अल्फाज खुश खत करें कॉपी में। फरिश्ते मखलूक मुकर्रर। टास्क 3 है आपका सबक फरिश्ते सफ़ा नंबर 21 से 4 मशहूर फरिश्तों के नाम याद करें। टास्क नंबर 4 है आपका सबक फरिश्ते सफ़ा नंबर 22 से 2 मशहूर फरिश्तों के नाम और इनके ज़िम्मे काम याद करें। टास्क 5 है आपका सबक फरिश्ते सफ़ा नंबर 22 से 2 मशहूर फरिश्तों के नाम और इनके ज़िम्मे काम याद करें। टास्क 6 है आपका नाजरा दूसरा कलमा बिमा तर्जुमा सफ़ा नंबर 8 से याद करें। प्यारे बच्चों, आपको सारा काम अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की अच्छी बात है, झूठ बोलना गुनाह है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।